है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य सभी को वित्तीय सुविधा मुहैया कराना और गरीबों के खाते खुलवाकर उन्हें बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत लाना है। कल नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक वित्तीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती तब तक देश से गरीबी नहीं मिटाई जा सकती। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में 1.5 करोड़ लोगों को सदस्य बनाकर बीमा और वित्तीय क्षेत्रों में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष 26 जनवरी तक खाता खोलने वालों को 1 लाख रुपए दुर्घटना बीमा के साथ साथ 30,000 रुपए का जीवन बीमा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि तब तक लगभग 7.5 करोड़ लोग इस योजना के दायरे में लाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत इस ग्रुप में आयोजित 3 शिविरों के माध्यम से 5,200 लोगों ने कल बैंकों में अपने खाते खोले। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने कल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में जनधन योजना का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि बैंकों में खाता खोले जाने के मामले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरे देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे शत प्रतिशत बैंक खाते का लक्ष्य प्राप्त करने में अपना योगदान दें। उपराज्यपाल ने बताया कि द्वीप समूह में ऋण गारंटी कोष स्थापित किया गया है जिसमें 10 करोड़ रुपए केंद्र की ओर से और 5 करोड़ रुपए द्वीप प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। इससे ऋण वितरण को गति मिलेगी। कार्यक्रम में प्रशासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से समाज की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वीप समूह में यातायात संपर्क में सुधार के लिए विशेष प्रयास कर रहा है।